छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत के बीच भाजपा ने राज्य सरकार को घेरते हुए किसान अंगेश भूपेश कैंपेन चलाया है। इसमें भाजपा नेताओं ने सरकार से चार सवाल पूछे हैं। भाजपा में भूपेश सरकार के कामकाज को कटघरे में खड़ा करते हुए काम के न धाम के सरकार चलाएंगे इल्जाम पे थीम पर विरोध दर्ज कराया गया। भाजपा ने पूछा कि क्या पिछले साल केंद्र सरकार ने FCI के माध्यम से 28.1 लाख मैट्रिक टन चावल का कोटा छत्तीसगढ़ को नहीं दिया था। अभी तक पिछले साल का 2 लाख मैट्रिक टन चावल FCI में क्यों जमा नहीं हुआ? पिछले वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपए प्रति क्विंटल और 350 रुपए का हैंडलिंग चार्ज जोड़ो तो यह रकम 9025 करोड़ नहीं होती, तो फिर किस मुंह से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि किसानों के साथ धोखाधड़ी तो आपने की है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया और उन्होंने कहा, फर्क साफ है, भाजपा सरकार में समय पर धान खरीदी, पर्याप्त वारदा ने रकम नहीं घटाया और अवैध वसूली नहीं, समय पर पेमेंट और किसान खुशहाल थे। कांग्रेस सरकार में देर से धान खरीदी, वारदानों की भारी किल्लत, रकबा घटाया, अवैध वसूली जारी, अब तक पेमेंट नहीं और किसान परेशान है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने कहा, किसानों को उनका हक देना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो भूपेश को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।